थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच अतुल भाई आ चुके हैं। अतुल भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप संभालें आज की बागडोर। मैं ठीक। नमस्कार दोस्तों, एफपीआरटी की आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी परंपरा है, सरस्वती वंदना हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि हम लोग शेयरिंग करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके पास कुछ अच्छी शेयरिंग है, और मैं आप लोगों से एक और निवेदन करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि यदि आपके पास कुछ अच्छा आ रहा है, यदि काम नहीं हो रहा ना, उसका भी डिस्कशन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो, जो भी ये एफपीआरटी बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ ये था कि भाई हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सके, एक दूसरे को हेल्प कर सके। और यदि हम अब नोटिस कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि लोग कोई भी शेयरिंग में दो चार लोग ही होते हैं जो कभी अभी थोड़ा थोड़ा शेयरिंग करते हैं, या वो दो चार लोग वही है जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से दोबारा निवेदन करता हूँ कि यदि जिन लोगों का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, वो भी अपना आगे बढ़ कर के बताएं कि क्या रीजन है, क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है कोई एक ऐसा आइडिया, हो सकता है कोई एक छोटी सी ऐसी चीज आगे चेंज खिला सके। तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी किसके पास भी जो भी कोई अच्छी शेयरिंग है, प्लीज अपना शेयरिंग कीजिए। राजेश राठौर जी, आप जरा देखिएगा कि कौन अपना डिजिटल हैंड रेज कर रहा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। प्लीज अतुल सर, एफपीआरटी में आपके साथ जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ी मेरे साथ अच्छी ये चीज हुई कि हम लोग जो हैदराबाद में मिले थे, उसके बाद आने के बाद बिजनेस सर बहुत अच्छा हो रहा है, और कंटिन्यूएशन में एफपीआरटी के साथ डेली फ्राइडे की मीटिंग में रहता हूँ। और अभी सर 1 करोड़ का मैंने प्लान सेल किया है 2-3 दिन पहले, और दोबारा फिर मैं अभी 65 लाख के प्लान के लिए फिर आया हुआ हूँ मैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि आपने ऐसा, पहली बात एफपीआरटी से क्या समझ आया आपको, क्या जुड़ने से क्या फर्क पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने अभी 1 करोड़ की प्लान की है, उसमें क्या प्रेजेंटेशन दी आपने, उनमें क्या बताया आपने क्लाइंट को, जिसकी वजह से क्लाइंट वो पॉलिसी देने के लिए एग्री कर। और पहले अपना परिचय भी दीजिए। अतुल जी, कैमरा ठीक करो, आपका छत और पंखा भी इसमें दिख रहा है। कैमरे को स्ट्रेट करो, सीधा करो कैमरे को। जी अब ठीक है सर। Hello? अब ठीक है सर। नहीं ठीक नहीं है, छत अब भी दिख रही है। हाँ जी सर, प्लीज आगे कंटिन्यू करिए। चलो ठीक है। हेलो, आप साथ इसी एंगल पर बैठे हैं कि छत आएगी? अभी मैं जब जैसे शेयरिंग हो रही है, मैं अपने कोशिश करूंगा कि मैं टैब से अपने आप को ऑन कर लूं। ठीक, आगे बताइए सर, प्लीज आगे शेयरिंग करते हैं। जी जी सर, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, जब हमारी मुलाकात हैदराबाद में हुई तो वहां भी हमने अच्छे अच्छे मोटिवेशन में, उसके बाद दोबारा मौका मिला आपके साथ, और एफपीआरटी में जुड़ने के बाद बीमटेक में हम लोग बिरला इंस्टीट्यूट में गए थे, और ऑफलाइन में तो थे आपके साथ, ऑनलाइन में भी, इसमें ऑफलाइन में भी 2 बार रहे आप सर, तो आपसे काफी मोटिवेशन मिला। आपने राजेश सर भी थे और ये जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छा है एफपीआरटी का मुझे लगा। और मैं सर इसमें कंटिन्यूएशन जो भी प्रोग्राम होगा उसमें मैं आऊंगा हमेशा, क्योंकि मैं पटना में हूँ और पटना से मैं दिल्ली भी आता हूँ, दिल्ली भी रहता हूँ और पटना में भी, और यहीं से मैं जाता हूँ। तो ये इतना अच्छा मंच मिला है कि सर इसके लिए क्या क्या है, जो मैं पहले छोटी छोटी पॉलिसी भेजता था, आज बड़ी बड़ी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट यहीं से मुझे सीखने के लिए मिला है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी 1 करोड़ में हमने क्या दिया क्लाइंट को? वो सर 914 नंबर टेबल दिया था मैंने उसको। तो क्या बता के दिया कि वो क्या, उसका कौन सा पर्पस सॉल्व करेगा? देखो मैं पता क्या कहने जा रहा हूँ, जो आप यदि आप खुल करके बोलेंगे ना, उसमें क्या होगा, एक आपका कॉन्फिडेंस सामने आएगा पहली चीज, और जितने लोग एफपीआरटी से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक आइडिया बनेगा। ये जो एफपीआरटी का जो मंच बनाया गया था वो सिर्फ इसी वजह से बनाया गया था कि हम सब लोग एक दूसरे के काम के भागीदार बने, काम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जब तक हमारी इंडस्ट्री के अंदर एडवाइजर ग्रो नहीं करेगा ना, तो ये इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं करेगी। और जिस इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक ही तरीका है कि शेयरिंग और केयरिंग। यदि हम शेयरिंग और केयरिंग एक दूसरे की करते रहेंगे, और हम इस बात से दूर हो जाएंगे कि भाई मैंने यदि अपनी कोई चीज बता दी तो सबको पता लग जाएगी,
आप ये समझ के चलना आपके क्लाइंट के पास दूसरा बंदा कोई नहीं जा रहा और एफपीआरटी का तो बिल्कुल नहीं जा रहा, ठीक है। और ये भी अभी भी देखा गया है कि जब भी कोई पता लगता है कि एफपीआरटी का बंदा है के साथ है तो नेचुरली लोग उसको उसी को ही प्रेज करते हैं। तो आप इसको ये प्लेटफॉर्म आपका अपना है, उसमें आप निसंकोच होकर के जो जो आपने अच्छी बातें करी है वो बताइए, जिससे कि और लोगों को भी वैल्यू एडिशन दे। माइक ऑफ हो गया होगा। अजय जी, राठौर जी, राठौर जी, परमिशन है सबको माइक अनलॉक करने की? सॉरी, सबको परमिशन कर सकते हैं आपको अनम्यूट? अच्छा, आप भाई रंजीत जी अपने आपको अनम्यूट करिए पहले प्लीज। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ तो सर, मैं क्लाइंट के पास जब मैं गया, क्लाइंट को मैंने बताया कि देखो भाई, क्लाइंट को पहले भी पुराना क्लाइंट था मेरा, उसको पहले मैंने जीवन सरल दे रखा था साढ़े इसका 15 लाख का। तो मैंने कहा आज की डेट में महंगाई के जमाना है और महंगाई के जमाने में उस हिसाब से इंश्योरेंस अगर नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 करोड़ से नीचे कुछ होना नहीं है। और अगर सोचो पहली वाली बात कि 10 लाख 15 लाख में हो जाएगा तो उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा तुम्हारा, नहीं परिवार को कुछ कर पाओगे। तो कस्टमर ने बोला कि ठीक है प्लान के लिए प्लान किया, हमने उसको बताया तो उसको अच्छा लगा। और ये मुझे कहां से लगा, क्योंकि सर अतुल सर आपसे मेरी पहली मुलाकात हम लोग की हुई थी वहीं पे हैदराबाद में ही। तो जब पता चला कि आप कॉर्पोरेट लेवल का काम करते हैं और पीओटी हैं और भी जो लोग जैसे राजेश सतोस्कर जी मिले, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की उन्होंने पॉलिसी सेल की, तो उसी दिन मैंने प्रण किया था। और फिर यहाँ पे आए मिले थे हम लोग, ये मनोज सर भी थे उसमें उस दिन जो हम लोग की रिलायंस शूट में बातचीत हुई थी और भी लोग आए थे, तो उससे मोटिवेशन काफी मिला। मेरे दिमाग में आया कि भाई बड़ी बड़ी मीटिंग में जाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बड़ी जगह पे कि वहाँ पे लोग उस ढंग के मिलते हैं, जो हमारे दिल में जो सोच होगी उसी को हम आगे किसी को कन्वर्ट कर पाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि कभी उस ढंग की मीटिंग सेमिनार में पहले मैं नहीं जाता था, लेकिन अब जाने से और ये बहुत अच्छा लगा। अपने एपीआरटी का ही ये एक देन है सर कि एक फ्राइडे को क्लास हम लोग को मिल जाती है और ये इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और आगे के लिए तैयारी होती है कि इससे हम कितना आगे ग्रो कर सकते हैं। और आगे मेरा सर आपसे निवेदन यही रहेगा कि जो भी कोई दिल्ली का कोई प्रोग्राम बने तो उसमें सर पहले न्यूज दें कि मैं टिकट बनवा के फिर मैं आता हूँ वहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अच्छी सेल करी और शेयरिंग करी। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसको डिस्कस करिए। आप जब कोई एक्टिविटी डिस्कस करते हैं आपकी एक रिविजन भी होती है, आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और दूसरे साथ में और जो लोग सुन रहे होते हैं उन लोगों को एक आइडिया मिलता है। और हमेशा यदि इस परिवार में बैठे हुए हैं हम लोग, एक दूसरे के आइडिया से ही आज हम आगे बढ़े हैं। और दूसरी एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ मतलब गोपीनाथ सर की एक बात है जो हम जिनसे ट्रेनिंग लेते हैं वो भी ये बात बोलते हैं, जो जो लोग ट्रेनिंग से दूर हो जाते हैं ना वो धंधे बिजनेस से भी दूर हो जाते हैं। ये मतलब वो बिकॉज ही इज ए बिग ट्रेनर तो वो बताते हैं, मतलब उनके पास डेटा है कि उनके पास जो लोग उनके साथ ट्रेनिंग लेते थे वो एकदम कैसे ग्रो कर गए। उसके बाद जब उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ आ गया, उन्होंने अपने आप को डिसकंटिन्यू करा ट्रेनिंग से, तो उनकी परफॉर्मेंस में फर्क आना शुरू हुआ। तो ये एक मंच ऐसा है जिसमें सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ के आए करिए। एक घंटे का टाइम आप या तो अपने 24 घंटे को एक बार चेक तो कीजिए कि आप 24 घंटे में करते क्या हैं। 24 घंटे में से यदि एक घंटा आप अपने लिए अपने अपने ग्रोथ के लिए अपनी बेटरमेंट के लिए नहीं निकालना चाहते तो इसके लिए आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें मतलब किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच संजीत जी, हमें आपसे सुनकर के बहुत अच्छा लगा और हम आगे जब भी हमारे पास आगे सेमिनार्स होंगे हम आपको प्रॉपर अपडेट करेंगे, सब लोगों को अपडेट करेंगे और आगे आपको फिर सुनने का मौका मिले और आप आगे बहुत बहुत अच्छे से और परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। राजेश राठौर जी, दूसरा हैंड, दो डिजिटल हैंड और रेज है। पवनवीर यादव बोलो। प्रदीप जी आप बोलो इतने फिर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं बागपत से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार। सर मैं पिछले 6-7 महीनों से एफपीआरटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हर हफ्ते की क्लास लेता हूँ और सेमिनार में मैंने अटेंड किया था बीमटेक में। और जब से मैं परिवार के साथ जुड़ा हूँ सर, आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले तो पता ही नहीं था कि ट्रेनिंग भी कुछ होती है। मैं 20 साल से एजेंसी चला रहा था, पार्ट टाइम करता था, दूसरा भी बिजनेस करता हूँ पशु चिकित्सा का साथ में।
लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेनिंग भी होती है इस तरह की, और कभी LIC की तरफ से तो ऐसा कोई प्रावधान ब्रांच स्तर पर तो देखा ही नहीं था, कभी छोटी मोटी ट्रेनिंग हो जाती थी। लेकिन मैं लगातार हर हफ्ते जैसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इस बार भी मैं इस महीने 5 पॉलिसी नहीं कर पाया हूँ और 50,000 से ज्यादा का प्रीमियम उठा पाया हूँ। बिल्कुल इंटीरियर का इलाका है मेरा। हेलो, आपका कैसा छोटा इलाका है? इंटीरियर का है जी, बिल्कुल देहात। मैं 20 साल से एजेंसी चला रहा हूँ सर, ग्रामीण क्षेत्र है बिल्कुल। अभी तक MDRT नहीं सर, नहीं मैं सिर्फ BM क्लब हूं सर। तो दोस्त ऐसा है कि मेरी आपसे निवेदन है, जो आप क्योंकि आपने जैसे बताया कि भाई मैं आप गांव देहात में रहते हैं, तो आप अपने ना आपस के लोगों को ही से ही बात करना पड़ेगा, आपको कॉल कॉल पे काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। देखो हमारे इस प्रोफेशन की एक ग्रेटनेस है, यदि हम अपना लोगों से बात करते रहेंगे, हमें सिर्फ बात करने के ही पैसे मिलते हैं। यदि हम लोगों से बात करते रहेंगे तो हमारा काम होएगा, क्यों? यदि आपके पास बहुत ज्यादा कुछ नॉन सर्कल नहीं है तो आप अननोन लोगों से बात करना शुरू करो, उनसे सिर्फ इतनी सी बात जरूर करो कि क्या आपको सरकारी पेंशन मिलेगी। जी जी जी, है ना। आप उनसे यदि आप, या फिर वो कहेंगे नहीं मिलेगी क्योंकि आप तो सरकारी लोगों को भी सरकारी पेंशन नहीं मिलती, तो आप उनसे पूछना कि क्या आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए। यदि कोई भी आदमी मना करेगा कि भाई मुझे पेंशन नहीं चाहिए, कोई मना नहीं करेगा, तो उससे बोलना यदि आपको सरकारी पेंशन चाहिए उसके लिए आप आज कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस तरीके से बात करके उसका मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह जो भी आपके लेवल पे जैसे भी आपको चलता है, एक छोटा सा फॉर्म बना दी, 4-6 चीजें भरिए, उससे मिलिए, 1-to-1 जाकर के मिलिए, कुछ ना कुछ काम होगा। और नहीं तो कोई दिक्कत हो तो आप हमारे को 1-to-1 पर्सनली फोन कर लेना, जो हमारे से हेल्प होगी हम आपकी करेंगे। ठीक है जी जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग चेतन सर, अतुल भाई और पूरी FPRT टीम और BIMTECH भी, मनोज सर मेरे को दिखाई दिए थे ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और इस क्वार्टर में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है, MDRT का LIC में बिजनेस सबमिट हो गया है, मंथली मोड में है, वैसे है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। HDFC लाइफ में, अर्गो में, दोनों में अच्छा बिजनेस हुआ है, स्टार हेल्थ में भी एक ट्रिप क्वालिफाई हुआ है, LIC में ट्रॉफी भी हो गई है, तो ये क्वार्टर में काफी अच्छा काम हुआ है। और जो बिजनेस हम कर रहे थे रेगुलर वो तो चल रहा था, बट सर उस दिन FPRT का जो अपना सेमिनार था BIMTECH में, जो अपने स्पीकर थे उन्होंने एक बात जोर दिया था कि अपने काम से मोहब्बत करो, और उनकी बात को सुन के अपने काम से जो मोहब्बत थी पहले से वो और बढ़ गई है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स और बढ़ गए। तो सर पिछले कुछ दिनों में भरपूर ट्रैक किया आपने बिजनेस को, और FPRT से तो हमेशा मदद मिलती रहती है, अतुल भाई को मैं परेशान करता रहता हूँ हमेशा, और उनसे भरपूर सपोर्ट भी मिलता है, जब भी कॉल करो हमेशा रेस्पॉन्स मिलता है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। और कोशिश है इस साल की COT कम्प्लीट हो जाए, और बाकी मेडिक्लेम का भी पोर्टफोलियो मुझे लगता है कि मैं इस साल अपना डबल कर दूंगा, जो मेरा इस साल तक था उसको मैं जस्ट डबल कर दूंगा इस साल। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अभी आप, मैं आपसे पवन भाई ये पूछना चाह रहा था कि आप इस टाइम पे काम क्या कर रहे हैं, क्या चीज हम सेल आउट कर रहे हैं, क्या चीज प्रपोज कर रहे हैं क्लाइंट को, क्या करके बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जो रियलाइज कर रहा हूँ कि मार्च तक सब लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने काम किया तो अच्छा काम किया, लेकिन मार्च के बाद कुछ रिदम बदला है, कुछ लोगों के काम में फर्क आया है। तो जैसे आपने बताया कि मेरी आपकी MDRT भी होगी, आपने ट्रॉफी, जैडम ट्रॉफी भी ले ली, और उसके बाद आपका अभी कॉर्पोरेट समय COT का भी आपका टारगेट है, तो अभी आप जो क्लाइंट से क्या बात कर रहे हैं और किस पॉलिसी को मेन फोकस करके कर रहे हैं और उसमें क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं? हमने सर 3-4 स्टैंडी बनाई हुई है, एक टर्म इंश्योरेंस की है, एक मेडिक्लेम की है, एक म्यूचुअल फंड की है, एक कन्यादान पॉलिसी की है, और हम सोसाइटीज में, क्योंकि मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ तो यहाँ पे आस पड़ोस में सारी सोसाइटीज हैं, तो हमने कुछ इवेंट मैनेजर से मतलब टच रखा है, वो जब भी कहीं इवेंट करते हैं तो वो 2-3 हज़ार रुपये हमसे चार्ज करते हैं, और उसमें हम अपना एक स्टॉल लगाते हैं, और इस तरह से हम ये कई सालों से लगातार कर रहे हैं, तो करते करते ये हो गया कि हमारे पास हर सोसाइटी का कुछ ना कुछ डाटा आ गया, और मेरी सोसाइटी में ही 5,000 फ्लैट हैं, तो मेरी सोसाइटी का कोई भी इवेंट 3.5-4 साल में एक भी इवेंट ऐसा नहीं गया जिसमें मेरा स्टॉल नहीं लगा है। हमने रिजल्ट की चिंता नहीं की,
वो डाटा आता गया, लोग क्वेरी करते गए, और होता यह था कि 25 लोग नाम लिखा के जाते थे तो एक आदमी आता था, दो आते थे, उस पर फॉलोअप करते रहे करते रहे करते रहे। और हमारा ये होता है कि सामने वाला जो मांग रहा है, टर्म इंश्योरेंस मांग रहा है, कन्यादान मांग रहा है, पेंशन प्लान मांग रहा है, पहले जो मांग रहा है फर्स्ट टाइम में उसे वो दे दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे जब क्लाइंट बन जाएगा। देखो जो हमारे प्रधान श्री राजेश रेड्डी जी हमेशा एक बात जरूर बोलते हैं कि हरकत में बरकत है। यदि हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना, उसमें हमारे को हो सकता है कि इमीडिएटली रिजल्ट्स ना मिले, हो सकता है ना मिले रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसा कभी नहीं, ये वो दिन नहीं आएगा। एक चीज और एड ऑन करूंगा सर, इसमें पालीवाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें स्टैंडी बनवा के दी थी, और एक बार उन्होंने हमारा स्टाफ को भेजा यहाँ पे, हमारी कई सोसाइटियों में स्टैंडी लगवाई, तो उसमें यह है कि उनके स्टाफ से हमें हेल्प मिली, सीखने को मिला हमें, और कि कैसे बेहतर स्टैंडी लगा सकते हैं या स्टॉल लगा सकते हैं जो हम लगाते थे। तो पालीवाल जी का भी बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद पवन जी, और वी विश यू कि आपकी जल्दी से जल्दी सीओटी हो। नमस्ते अतुल सर, मैं अनिल मिश्रा इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ, अभी मैं आया था विमटेक में, भी मैं ट्रेनिंग में आया था आपसे बात करके। अभी जैसे अभी मेरा सीओटी तो हो गया था, एक मेरी बड़ी पॉलिसी लगी थी 12.5 करोड़ की, तो उसी के प्रीमियम से 3 MDRT हो गया था, सीओटी हो गया था। लेकिन अभी हम सेंस ऑफ अर्जेंसी पे काम कर रहे हैं, जैसे हम अब जा रहे हैं कि हमें टीओटी करना है, तो अभी आपकी मदद चाहिए। तो इस तरह से अभी मैंने एक 50 लाख का क्लोज किया केस, और एक 35 लाख का किया है, तो उसके अंदर करीब 2.95 और 2 लाख के आसपास, करीब 5 के आसपास आया है प्रीमियम। और हमने अभी जो 945-15 था ना, उसको 945-20 बेच रहे हैं जिनकी एज कम है, तो उससे क्या होता है करीब 1.5 गुना लोगों को रिटर्न दिखता है। कि जैसे कोई बच्चा 32 साल का है, 30 साल का है, तो उसको हम पहले 945-15 बेचते थे, तो उसको जैसे 50 लाख में 4 ही लाख मिलता था, अभी 6 लाख दिखने लगता है, तो थोड़ा 1.5 गुना भी दिखता है, तो उनको और अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हमने 2 केस क्लोज किए हैं, और बस इसी पे सेंस ऑफ अर्जेंसी पे काम कर रहे हैं कि अभी हमें हमें जरूरत भी है, और ये स्कीम बहुत अच्छी है, कभी भी जा भी सकती है, ब्याज रेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे की। बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत अच्छा लगा। आप पहले से आप इंदौर से आए थे राइट? हाँ यस यस, हाँ आप इंदौर से आए थे, बिल्कुल ठीक है, आपसे परमिशन लेके आया था। बहुत अच्छा लगा अनिल जी, आप और हमारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं टीओटी के लिए, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। देखो आज अब अनिल जी ने एक अच्छी स्ट्रेटेजी दी कि अभी तक हम 15 साल की पॉलिसी बेच रहे थे, अब हम 20 साल की पे कर दिया, उसके 2 फायदे हुए। आप समझना, अनिल सर ने एक बात बताई कि भाई अभी तक 4 लाख यदि लेते तो 4 लाख मिलते थे, अब 6 लाख मिलते हैं, ये एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अभी जो 5 लाख का जो नया सिस्टम आ गया है कि 5 लाख से ऊपर के अमाउंट टैक्सेबल हो जाएंगे, तो यदि हम किसी को 5 लाख का प्रीमियम देते हैं तो वो 20 साल में 5 लाख की पॉलिसी पे 7.5 लाख रुपए मिलेंगे प्रीमियम, यदि हम 5 लाख का प्रीमियम देते हैं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि थोड़ा सा ये, क्योंकि चीजों को मैंने एक चीज अपने इतने 25-26 साल के कैरियर में एक चीज समझी है कि पहले चीजों को हम समझते हैं कि भाई हमें कैसे चलना है, और उसके बाद हम क्लाइंट को कन्विंस कर देते हैं। क्लाइंट ना बेसिकली हमारे ट्रस्ट के ऊपर चलता है, यदि हम क्लाइंट को जो भी बातें बताते हैं, और ये इसमें भी क्लाइंट की बेनिफिट की बात है ना, यदि उसके पास अच्छा। एक और बात भी है कि जब हम 20 साल की प्लान वर्कआउट करते हैं तो 20 साल की प्लान के अंदर प्रीमियम 15 साल की प्लान के कंपैरेटिवली कम जाता है। यदि हम 15 साल की प्लान में उतने ही पैसे लें और 20 साल की प्लान में उतने पैसे लें तो थोड़ा सा प्रीमियम भी कम जाता है, तो थोड़ा सा हमें उसको क्लाइंट को और वो भी बेनिफिट मिल जाता है, और दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि उसको टैक्स पैसा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के बेनिफिट की बात कर सके। हमारा काम सिर्फ क्लाइंट की बेनिफिट्स की बात करने का है, हम क्लाइंट्स के इंटरेस्ट और क्लाइंट की बेनिफिट की बात करते रहेंगे, हमारा काम अपने आप बाय डिफॉल्ट चलेगा। थैंक यू सो मच।
बड़े प्रीमियम के लिए सर कुछ आइडिया दीजिए, आपका बड़ा अनुभव। बड़े प्रीमियम तो आप ऑलरेडी जब आपसे लेंगे आइडिया, जब आपने एक ही पॉलिसी में तीन एमडीआरडीज करी है तो बड़े प्रीमियम तो आपको पता है कि आप कैसे वो तो बहुत आराम से आ जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि कैसे कन्विंस करें। वो कन्विंस अभी मैं एक चीज समझ पा रहा था कि मेरे एक फ्रेंड है, वो हमारे एफपीआरटी के मेंबर भी है, आज पता नहीं अभी जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उन्होंने अभी 18 लाख रुपए का एक पॉलिसी जीवन उमंग कन्विंस करी, ठीक है, मतलब मेडिकल हो गए और केस प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्लाइंट से यही बोला, तो क्लाइंट ने उनसे बोला कि मतलब उन्होंने क्लाइंट को सामने से बोला, ये नहीं क्लाइंट ने नहीं बोला, क्योंकि अभी तक क्लाइंट को ये पता होता है कि LIC मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है, ठीक है ना, ये सबको मालूम है कि अभी तक पता था कि भाई 31 मार्च से पहले कि क्लाइंट के पास जो पॉलिसी मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, या जो भी मनी बैक आता है वो टैक्स फ्री आता है। लेकिन उसने सामने से भर के उसको क्लाइंट को बोला कि सर ये जो पैसा आएगा ना, इसका आज अभी जो इसमें जो पैसा आएगा वो उस टाइम का इनकम टैक्स बताएगा कि भाई इसमें टैक्स लगेगा ही नहीं। तो उसने कहा यार इसमें टैक्स लग जाएगा तो फिर क्या फायदा इसमें, मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि टैक्स, तो उसने उन्होंने जो हमारे मित्र हैं उन्होंने ये उस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल किया कि सर आप यदि ज्यादा कमाना चाहते हैं तो क्या इस वजह से आप कमाना रोक देंगे छोड़ देंगे कि इसमें टैक्स लगेगा है? आप ये बताइए कि आप सर आपको यदि मान लिया 10 लाख रुपए मिल रहे हैं पैसे है, और 10 लाख में से यदि मान लिया 3 लाख का टैक्स जा रहा है तो आप 7 लाख को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि 7 लाख नहीं चाहिए आपको? कह रहे नहीं यार ये तो ठीक है, तो सर ये भी तो चाहिए ना, अब हमें गारंटेड पैसिव इनकम को बनाना है आगे के लिए बनाना है गारंटेड पैसिव इनकम, तो उसका तरीका तो आज ही करना पड़ेगा ना, जब हम कमा रहे हैं कमाते कमाते ही वर्कआउट कर पाएंगे ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन देकर के उठा, अब हमारे को अपनी लैंग्वेज के अंदर जो टैक्स फ्री वाला पोर्शन है उसको ये कहेंगे सर ये टैक्सेस एज पर द गवर्नमेंट टर्म्स होंगे, जब उस टाइम पे क्या गवर्नमेंट टर्म्स होंगे वी डोंट नो, ठीक है ना, हमें नहीं मालूम कि उस टाइम के टैक्सेशन के क्या कितने कितने अमाउंट तक जीरो टैक्स पे रिटर्न्स होंगी, क्योंकि आज से 15 साल के बाद जब जिस तरीके से हम इंडिया आज 4th-5th नंबर पे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर है तो हो सकता है 15 सालों में हम पहले दूसरे के अंदर हो सकता है ये सारे टैक्स स्ट्रक्चर बुरा चेंज हो जाए, तो हम अभी आज उसको क्यों ये कहें कि भाई आपको ये मिलेगा और ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ इतनी बात करनी है कि उसको कि सर जो टैक्सेशन का प्रोसेस है वो टाइम बताएगा क्या। थैंक यू सो मच अनिल जी, मैं ज्यादा टाइम ना लेता, थैंक यू सो मच, मैं आप टाइम ना लेते हुए आज के स्पीकर श्री प्रशांत सावंत जी को बुलाना चाहूंगा। प्रशांत सावंत जी पिछले 40 सालों से इस मोटिवेशन और ट्रेनिंग्स के प्रोसेस में है, वो उन्होंने गोदरेज कंपनी में वो ट्रेनिंग्स का प्रोसेस किया, उसके बाद वो सिंगापुर और दुबई में भी बहुत सालों तक अपनी ट्रेनिंग्स देते रहे, अभी भी वो बहुत सालों से, क्योंकि हम लोग ने एक बार 2-3 साल पहले प्रशांत सर को एक बार इसी कोविड के टाइम में सुनने का मौका मिला था, ये इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं जो बात करने का तरीका है वो फिल्मों का जो शॉर्ट्स होते हैं उसको दिखा करके वो अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं और साथ में उसको इंश्योरेंस से लिंक करते हैं, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैं बहुत सारी लाइफ अपनी 25-26 सालों की लाइफ में बहुत सारे ट्रेनर से मिला हूँ, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी हैं, लेकिन ऐसा प्रोसेस मैंने पहली बार एक ऐसे ट्रेनर को ऐसा देखा कि वो एक क्योंकि फिल्मों में सभी लोगों का इंटरेस्ट होता है, मोस्टली लोगों का फिल्म में इंटरेस्ट होता है, और अच्छी बात यह है कि वो फिल्में भी वो जैसे हम लोग अब 50-50+ की कैटेगरी में है, तो अब इंश्योरेंस जो लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस में आ जाते हैं कि उसी लाइफ उसमें होते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो उनकी जो क्वालिटी है कि वो पुरानी फिल्में दिखाते हैं तो लोग एकदम लिंक सिंक हो जाते हैं उनकी उन फिल्मों से। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा हमारी एफपीआरटी की परंपरा है कि उसी परंपरा के हिसाब से प्रशांत सावंत जी को वेलकम किया जाए। प्रशांत जी प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, मेरे ख्याल से आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर joining today's session and give your permission to contribute in our life, FPRT people's life. तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और FPRT परिवार आपको अब ये मंच आपका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ओके, मैं फर्स्ट थिंग मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया आपसे बात कर सकूँ, और ये आप लोग जो एवरी फ्राइडे कर रहे हो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो ये सेशंस करते हैं उससे ब्रेन में डोपामिन करके केमिकल क्रिएट होता है, व्हेन वी लिसन टू समबडी जो हम लोग को मोटिवेटिंग लगता है, मोटिवेशन मतलब क्या, वो डोपामिन केमिकल हमारे ब्रेन में आने लगता है, और ये डोपामिन केमिकल जो है वो हमें
एनर्जी देता है कुछ जाके कुछ करे, वी आर पुश टू डू समथिंग। और ये जो डोपामिन इज लाइक पेट्रोल इन द कार, जैसे पेट्रोल अपने गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी चलाई तो थोड़ी देर के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उसी तरह डोपामिन खत्म हो जाएगा। और जो आप ये वीकली सेशन करते हो दैट इज अ एक्सेलेंट थिंग, बिकॉज ये डोपामिन आप रिचार्ज कर रहे हो, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो एवरी टाइम ये जो वीकली प्रोग्राम आप कर रहे हो और ये शेयरिंग कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प एवरीबॉडी। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बोला भाई बहुत ट्रेनिंग करता हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ट्रेनिंग करता हूँ फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग बोलेंगे फायदा हुआ, कुछ बोलेंगे नहीं हुआ। सो इट इज लाइक दिस। तो इसके लिए मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट आई विल गिव यू वन फॉर्मूला, क्योंकि आप इतने सारे ट्रेनिंग कर रहे हो तो दैट फॉर्मूला विल रियली हेल्प यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ ट्रेनिंग्स। एक मिनट, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन। अभी जो फॉर्मूला है 24/72/100, जो कोई भी आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो उसको ये फॉर्मूला में डालेंगे तो ये ट्रेनिंग से आपको फायदा होगा। जैसे आप देखो, अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, एंड दैट इंस्ट्रक्शन मैनुअल विल टेल यू कि हाउ टू यूज दिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सिमिलरली ट्रेनिंग को किस तरह से यूज करना है, लिवरेज करना है और अपना फायदा करना है, तो ये है 24/72/100 24/72/100। सो 24 है एक दिन में हम लोग जो सीखते हैं, 24 आवर्स में हम लोग जो भी नया सीखते हैं, What must be 72? Please आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको क्या लगता है what must be 72? सुब्रतो, वेरी गुड, इम्प्लीमेंट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट विद इन what इज 72? अप्लाई करना चाहिए। हाँ प्रदीप, अप्लाई करना चाहिए, लेकिन 72 क्या है? लेकिन आगे लगता है ये निकल गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग कोई भी चीज नया सीखते हैं उसको 5 बार कहीं ना कहीं जाके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। व्हाट एवर यू हैव लर्न्ड वी शुड ट्राई एंड इम्प्लीमेंट समथिंग। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस एचएनआई एज अ सब्जेक्ट। मैं आज बात करने वाला हूँ एचएनआई सेल्स की। तो एचएनआई सेल्स है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अभी एचएनआई सेल्स, पहली बात तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एचएनआई। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचएनआई? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इज अ एलैबोरेट फॉर्म ऑफ एचएनआई। लेकिन एचएनआई किसको आप बोलेंगे, किस इंसान को आप बोलेंगे भाई ये मेरे लिए एचएनआई है? एज अ एलआईसी एडवाइजर, हु इज एचएनआई फॉर अस? हु इज रिच गाय फॉर अस? क्योंकि क्राइटेरिया होना चाहिए ना, किसी को हम लोग बोल मैं एचएनआई सेल करना है, लेकिन क्या? सो आई शुड हैव अ क्लैरिटी कि ये मेरे लिए एचएनआई है। शान सर, मेरे हिसाब से ना एचएनआई हर इंसान के लिए अलग है। हाँ बराबर। तो हाँ, जो मतलब जो आदमी मतलब जिसका एवरेज टिकट साइज 35,000 है उसके लिए 5 लाख का प्रीमियम देने वाला एचएनआई हो सकता है। जिसका एवरेज टिकट साइज 1.5 लाख का है उसके लिए 15 लाख रुपए का प्रीमियम या 20 लाख रुपए का प्रीमियम देने वाला एचएनआई हो सकता है। जिसका एवरेज टिकट साइज 15 लाख है उसके लिए 1 करोड़ 5 करोड़ पे देने वाला एचएनआई हो सकता है। ये डिपेंड करता है, मतलब एचएनआई बेसिकली जो हमारे अजय त्यागी सर, अजय त्यागी जी आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। त्यागी जी अनम्यूट करके बोलिए। मेरे हिसाब से मेरे एवरेज टिकट साइज का 10 times प्रीमियम यदि कोई दे सकता है ना तो मेरे लिए अच्छा नहीं। यदि मेरा एवरेज टिकट साइज 50,000 रुपए, यदि मेरे को कोई 5 लाख रुपए का प्रीमियम देने की कैपेसिटी कोई क्लाइंट रखता है, वो उसकी एक्चुअल या डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है उससे मतलब नहीं है। यदि वो 5 लाख रुपए का प्रीमियम को देता है मेरे लिए वो अच्छा नहीं। यदि मेरा 5 लाख का टिकट साइज है तो 50 लाख वाला मेरे लिए अच्छा नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच त्यागी जी कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू। प्रशांत सर, तो इट डिपेंड्स। जैसे अभी प्रदीप कुमार बोल रहे थे वो इंटीरियर्स में, तो उनके लिए शायद एचएनआई का अलग क्राइटेरिया होगा। एवरीबॉडी मे हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। तो लेकिन हम लोग वो तो हम लोग अपना अपना सेट करेंगे। जैसे अजय त्यागी जी ने बोला कि मेरा 10 times का है, एक्सलेंट। लेकिन रिच लोग जो इंडिया में, तो अगर हम लोग बात करें कि जो रिच लोग है, जो हाइएस्ट टैक्स पेयर है, जिनका परसेंटेज ऑफ टैक्स पेइंग ज्यादा है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ टैक्स? कितना परसेंट जो richest आदमी है उसको परसेंटेज कितना आ रहा है टैक्स का? मिस्टर नायक इज सेइंग 42। सर 35% होता है मेरे हिसाब से। कुलदीप इज सेइंग 33, 25 to 30।
नायकी सिंह टू सी दैट इज अगेन मेरे हिसाब से पता नहीं क्यों, लेकिन अगर कोई एक रिच आदमी, आप मुझे बताइए, एक रिच आदमी अगर कार लेना चाहेगा कार, तो वो वैगन आर लेगा कि मर्सिडीज लेगा? मर्सिडीज लेगा सर, मर्सिडीज लेगा। लेकिन तो एक कोई रिच आदमी जब इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट सोचने जाता है तो जनरली एलआईसी में नहीं आता, ऐसा क्यों? सर एलआईसी का एडवाइजर वहां तक पहुंच नहीं पाता। हाँ बराबर है, पहुंच नहीं पाता। और मेरे ख्याल से पहुंच नहीं पाता ये भी थोड़ा अलग हो गया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, ये बोलना चाहिए। हाउ मेनी पीपल कैन से कि मैं रोज इतना अटेम्प्ट करता हूँ? क्योंकि अटेम्प्ट करना चाहिए, बड़े लोगों के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर पहुंचना नहीं पहुंचना भगवान के हाथ में, बट आर वी अटेम्प्टिंग? हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते अभी बहुत। जैसे आई थिंक प्रदीप ओनली सेड 39%, किसी ने भी करेक्ट टैक्स का परसेंटेज बोला नहीं। दैट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल कि अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि रिच आदमी को कितना टैक्स भरना पड़ता है तो मैं रिच आदमी के पास जाके बोलूंगा क्या? क्योंकि देखो रिच आदमी के पास पैसा है, वो आपको इज्जत क्यों करेगा? आपसे समझो उसके पास 10-50 गुना ज्यादा पैसा है, आपको इज्जत क्यों करेगा? क्या ऐसा चीज हमारे पास होना चाहिए दैट विल ही विल रिस्पेक्ट यू? बिकॉज ऑफ इफ ही डजंट रिस्पेक्ट यू ही विल नॉट गिव यू पॉलिसी। तो ऐसी कौन सी चीज हमारे पास होनी चाहिए जो हमें रिस्पेक्ट करेगा? धीरूभाई अंबानी का जो रोल कर रहा है अभिषेक बच्चन, वो बोलता है कि ये सब मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं अपने धंधे का सॉलिड खिलाड़ी हूँ, मैं अपने धंधे का सॉलिड खिलाड़ी हूँ। If you can, all of you can say, अभी देखो कोई जा, हम जा नहीं पाते, हम जाते नहीं क्योंकि हमको लगता है कि वो जो पूछेगा मुझे शायद नहीं आए। And I'm very sorry कि ये जो basic knowledge है अगर वो नहीं है, ये motivation कुछ नहीं भैया, motivation कब तक चलेगा? Because if you go to rich guy, he will 2 मिनट में पहचान लेगा ये आदमी कितना पानी में। अभी ये जो tax है 39% है, ये 39% tax है कितना इनकम के ऊपर है? Anybody knows? गिरीश is saying 39. कितना इनकम, जो भी मेरे सेशन में आते हैं शायद उनको मालूम है। मैं बार बार एचएनआई के ऊपर बोलता हूँ, बिकॉज आई फील वेरी बैड कि एलआईसी जो है मर्सिडीज है, भगवान है, लेकिन हम लोग चिल्डर उठा रहा है। 17,000 हमारा टिकट साइज है और बाकी कंपनी 1.25-1.5 लाख कर रही है, बिकॉज हम लोग जा नहीं रहे, हमारी दुकान ही बंद है। अभी वो मर्सिडीज खरीदना चाहता है लेकिन दुकान बंद है, तो झक मार के वो वैगन आर लेगा वो, और वही हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग बाकी कंपनीज खराब है, लेकिन अपना दुकान ही बंद है क्योंकि अपनी यही दुकान है और ये मुंह शटर है। ये दुकान अगर गई नहीं लोगों के पास और शटर खुला नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। त्यागी सिंह 1 करोड़, प्रेमचंद सिंह 5 करोड़। ये मेरे ख्याल से, आई एम सॉरी, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो लोगों को अच्छा लगता है, मैं बोलूंगा जो आपको सुनना चाहिए। अगर आपको ये मालूम नहीं तो इट इज पैथेटिक सिचुएशन, और एचएनआई आप भी आपको खड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ये बेसिक्स मालूम नहीं है। 39% टैक्स है 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ जिसका इनकम है उसका 39% है। बहुत सारे लोग 42.74% बोल रहे हैं, वो लास्ट बजट में बदल गया। इट वॉज 5 करोड़ के ऊपर के लोगों को 42.74% टैक्स था, नाउ इट इज 2 करोड़ के ऊपर जो है, उस वक्त भी 39% था लेकिन 5 करोड़ का स्लैब अभी एबॉलिश हुआ। तो प्लीज यू शुड हैव दिस नॉलेज, नहीं तो एचएनआई आदमी अभी क्या करेगा, वो सीए के सामने बिठाएगा, सीए काट के रख देगा, और सीए की औकात नहीं कि एलआईसी एडवाइजर को बोले। लेकिन हम अपने आप को समझते कि मुझे मालूम नहीं सीए मुझे मारेगा तो खत्म हो जाती, और एक ही उसके पास हथियार है सीए के सामने, अरे मैंने सीए से बात करूंगा, क्या बात करेगा सीए से, लेकिन हम लोग वहां तलवार डाल देते। तो ये मैं आपको बोलता हूँ कि LIC जैसा ब्रांड में आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, MDRT आराम से हो सकता है, लेकिन हम लोग उन लोगों के पास जाना चाहिए, दे हैव मनी। आम जनता के पास भी जाओ, उनका भी भला करो। आई एम नॉट सेइंग हम लोग अपना ही फायदा देखना है, हम लोग को हर एक का फायदा है, हर एक का भला करना है, लेकिन बड़े लोगों के पास जाओगे तो अपना भला करोगे। आप अपने से 5 गुना बड़े आदमी के पास नहीं जाओगे तो आप बड़े नहीं होंगे। पीपल इन LIC मैंने देखा है, पब्लिक इस बात का बहुत फखर करते हैं कि पिछले 12 साल से मैं MDRT हूं, पिछले 15 साल से मैं MDRT हूं। ये फखर करने वाली चीज है ही नहीं, ये एक्चुअली शर्मिंदगी चीज है, बिकॉज आई हैव नॉट ग्रोन। मैं उधर ही पढ़ा हूं, मैं एवरी बार MBBS का एग्जाम दे रहा हूं और पास हो रहा हूं, इसमें बड़ी बात क्या है? तो वी हैव टू ग्रो। अगर कोई MDRT है 1-2 साल, ठीक है भाई, ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, डबल MDRT होना चाहिए, थर्ड MDRT होना चाहिए। और LIC जैसा ब्लेसिंग आपके पास है, मैं LIC में एडवाइजर या कुछ नहीं हूँ, मैं एक्सटर्नल आदमी हूँ और मैं पूरा फाइनेंशियल मार्केट खोल के पिया हूँ। 1992 से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ और मैं देखता हूँ LIC के पास ऐसी चीजें हैं जो करोड़पति लोगों को सिर्फ LIC दे सकती है। आई कैन चैलेंज एनीबॉडी, मैं निर्मला सीतारामन के सामने बैठ के भी उसको चैलेंज कर सकता हूँ कि व्हाट LIC डज, ओनली LIC कैन डू समथिंग फॉर रिच क्लास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज शायद बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं।
वी आर कॉट अप इन दैट रेट ऑफ इंटरेशन डिसेंडेड. तो आप लोग मुझे बताओ कि हम लोग HNI के पास क्यों नहीं जाते, व्हाट आर द चैलेंज, बिकॉज अपने पास टाइम की कमी है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा. इसके लिए मैं आपको टू द पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहता हूं ताकि आपका आज से बिजनेस बढ़े. तो HNI सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है आप, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द इशू. एक तो आप हम लोग जा नहीं रहे, दैट इज वन थिंग, तो क्यों नहीं जा रहे, लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम. हाँ त्यागी, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट क्या हुआ, अपॉइंटमेंट का मिलता नहीं अपॉइंटमेंट. हाँ मिशन नायक, मैं बता दूं अभी मेरा फुल डे सेशन, मेरा स्कूल ऑफ HNI, स्कूल ऑफ HNI करके ऑलरेडी चालू है, उसका फर्स्ट सेशन हो चुका है. एनीबडी वांट्स, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा अगर चाहिए. वो 6 सेशन है जिसमें डिटेल में होता है. हाँ नो अपॉइंटमेंट, ओके ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. अपॉइंटमेंट नहीं है मतलब क्यों, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट दे रहा है क्या आप लोग. देखो पहली बात तो आपको एक बताऊं कि अपना जो बिजनेस है, जो इंश्योरेंस बिजनेस है, लोगों के माइंड में है कि मुझे नहीं लेना चाहिए. तो जब भी आप किसी के पास जाओगे, ही विल लुक एट यू एज इफ ही वॉन्ट्स टू ब्लॉक यू, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करेगा. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टफ, एग्रेसिव, स्मार्ट, ये सब आपकी चीज में होनी चाहिए. अगर आप लोग डर 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 के बात करेंगे तो नहीं होगा. आपके बातों से उसको लगना चाहिए बंदे को मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज आपके फोन पे अगर उसको आपको लाइक करेगा, बोलेगा चल यार आ जाओ. फोन पे हम लोग गिड़गिड़ा के, सर प्लीज मुझे 5 मिनट दो, सर 5 मिनट में थोड़ा, ये सब नहीं होगा. बिकॉज HNI आदमी को, चिल्लर आदमी से बात करने को अच्छा नहीं लगता. HNI आदमी 5 स्टार होटल में जाके 700 रुपए का चाय पीता है, रस्ते पे खड़ा रहकर 15 रुपए का चाय नहीं पीता है. अगर हम लोग उससे बात करेंगे 15 रुपए की चाय वाले जैसा, तो वो अपने को खड़ा नहीं करेगा. वी हैव टू टॉक टू हिम लाइक मैं 5 स्टार होटल हूँ, मेरे पास मिलोगे तो आपका फायदा होगा. तो अपनी अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हो तो आपके बातों में एग्रेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम लोग LIC का माल दे रहा है, हम लोग भीख नहीं मांग रहा है, ये बात पहले समझ लो. मेरे को 5 मिनट दे दो, क्या मैं बताएंगे 5 मिनट में, आप कुछ नहीं बता सकते 5 मिनट में. यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, जैसे मैं आपको ये 15-20 मिनट में कुछ नहीं कर पाऊंगा. आप इसके डिटेल में आपको कस्टमर के सामने बैठ के समझना पड़ेगा, तभी आप उसको हेल्प कर पाओगे. तो आपकी बातों में गिड़गिड़ाहट जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, आपके बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको लगता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. अगर आप सोने का बिस्किट बेचोगे तो एग्रेसिवली बात करोगे, अगर आप पत्रा बेचोगे तो डर डर के बात करोगे. उसको लगता है पत्रा लेके आया है, इससे क्या, इसकी क्या बात करने का. और आए दिन रोज पेपर में आता है. अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके एग्जीक्यूटिव एडिटर को मिला हूँ, उसको मैंने बोला है कि मुझे ये आर्टिकल लिखना है अभी, लेट अस सी. क्योंकि मैं बोला कि आप लोग सब लोग पेपर में इंश्योरेंस के खिलाफ लिखते हो, विच इज नॉनसेंस. जो इंश्योरेंस कर सकता है अपनी जगह है, बाकी सारे पूरा खराब नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस को पब्लिक बोलते बंद करके म्यूचुअल फंड में डालो, बंद करके ये करो, ये क्यों, ऐसा क्यों करते हो. तो इसके लिए मैं बोला मेरा एक एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लिखना है, तो लेट अस सी, मुझे अप्रूवल मिला तो मैं लिखूंगा. तो आप लोग को जब कन्विक्शन होगा तभी सामने वाले को पास कर सकते हो. सेलिंग इज ट्रांसफरिंग एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर, कन्विक्शन फ्रॉम सेलर टू बायर. अगर मुझे वो चीज में कन्विक्शन नहीं है तो मैं आगे बता नहीं सकता. तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप किस तरह से बात करते हो ये बहुत जरूरी है. अगर आपने बातों में, आपके बातों में, जैसे त्रिशूल फिल्म को मैं हमेशा दिखाता हूँ, त्रिशूल फिल्म में अमिताभ बच्चन जाता है आर के गुप्ता के पास, और आर के गुप्ता उसको अपॉइंटमेंट देता है, और बाद में आर के गुप्ता उसको बोलता है मैंने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया मालूम है, क्योंकि जिस अंदाज से तुमने मुझसे इंटरकॉम पे बात की, मुझे लगा तुम बहुत ही तेज और समझदार इंसान हो जिसको अपने आप पे भरोसा है, और जो मेरे सामने समझदारी की स्कीम लेके आएगा, तेज, समझदार, सेल्फ कॉन्फिडेंट, और मेरे सामने समझदारी की स्कीम लेके आएगा. अगर आपके बातों में ये 4 चीजें हैं तो मुकेश अंबानी भी आपको अपॉइंटमेंट देगा. दूसरी बात, अगर आप अपने आप को मुकेश अंबानी से कम समझते हो तो वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा. मुकेश अंबानी के पास भरे वही रिचेस्ट आदमी होगा इंडिया का, लेकिन LIC के नॉलेज के बारे में मुकेश आपको पूछेगा, भाई जीवन उमंग में क्या है, जीवन उमंग क्या करता है, ये मुकेश आपको पूछेगा. एम आई राइट और रॉन्ग? तो मुकेश के सामने आप उसके सामने LIC के नॉलेज के बारे में रिच हो, उससे ज्यादा रिच हो. और ये कन्विक्शन हमने रखना चाहिए, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. मुकेश अपने से शाने आदमी को मिलना पसंद करेगा. मुकेश को लगेगा ये आदमी को मिलूंगा जो मेरे सामने समझदारी की स्कीम लेके आएगा, ये आदमी मिलूंगा तो मुझे 2 चीज सीखने मिलेगा, तभी वो आपको बुलाएगा. तो अपॉइंटमेंट लेना चाहिए. अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पे एग्रेसिवली कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए. दूसरी बात, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल रहे हो, विच इज अगेन इंडिया का सबसे बड़ा नॉनसेंस है, कि लोगों को लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर मुंबई में आप आओगे तो रेसकोर्स में जाओ और एक घोड़े पे 1 लाख रुपया लगाओ, वो घोड़ा जीत गया तो 9 लाख रुपया मिलेगा, घोड़ा हार गया तो 1 लाख रुपया गया. तो रिटर्न कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, रिस्क और रिटर्न साथ में जाते हैं. यू कैनॉट से कि मेरे को रिटर्न ज्यादा चाहिए लेकिन रिस्क नहीं चाहिए. LIC में रिस्क कितना है, कम है, क्या है, ज्यादा है?
एलआईसी के प्रोडक्ट में रिस्क क्या है, कम एज क्या है? हाँ मिस्टर नायक इज वेरी राइट, एलआईसी में रिस्क जीरो है, कम नहीं है, जीरो है, जीरो। अगर आपके जेब में जो नोट है, जिसको जो नोट को जो पावर है, उतना एलआईसी के पॉलिसी को पावर है, यू आर राइट, इट इज जीरो। तो अगर रिस्क जीरो है तो रिटर्न भी जीरो देना चाहिए, एलआईसी ने रिटर्न जीरो देना चाहिए, बराबर। लेकिन एलआईसी रिटर्न नहीं दे रही है, जो भी दे रहे हैं उसके ऊपर उपकार कर रही है, जो भी 5-6-7 जो भी मिल रहा है। और आप लोग भी रिटर्न बेचने जाओगे तो मार खा के आओगे, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल मार्केट जानते हो तो एलआईसी का रिटर्न सबसे कम है, लेट अस फेस इट। आप ये कुछ अपने आप को अगर आप बोलोगे कि मुर्गा अगर चिल्लाएगा नहीं तो सूरज नहीं उगेगा, ऐसा नहीं होगा, सूरज तो उगेगा, सच्चाई तो है। और जब आप उसको रिटर्न की बात करोगे तो आप उसके इलाके में जाके लड़ने की कोशिश कर रहे हो। रिटर्न अपना स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। लेकिन एलआईसी का स्ट्रेंथ क्या है फिर? मैं काई को एलआईसी लूं? प्लीज मुझे बताइए, एलआईसी आदमी ने क्यों लेना चाहिए? रिच लोग हो या गरीब आदमी है, एक स्पेशल रिच लोगों ने तो ये एलआईसी क्यों लेना चाहिए? रिस्क नहीं भाई, ठीक है, लेकिन क्या क्यों लेना चाहिए? गारंटेड, गारंटेड एंड सेफ्टी, अच्छी बात है। अगर आप करोड़पति के पास जाओ तो उसको सेफ्टी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज वो सेफ्टी देखता तो करोड़पति होता ही नहीं। कैपिटल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, बहुत सारे लोगों ने अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन एक पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी, मेरे पास उस जिसका मेरे को दिल में दर्द होता है, वो आप लोग को जानते नहीं, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। इतने सारे ट्रेनिंग आप लोग करते हो, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपको मालूम होना चाहिए, आई एम सॉरी, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ वॉट वी हैव इज, हाँ, जस्ती रावि सिंह, गोल बेस्ड रिटर्न। हम लोग जो हम एलआईसी क्या करते हैं मालूम है? ओके, लेट मी बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आई एम अहमदाबाद है ना, आई एम अहमदाबाद, दैट इज द बिगेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट है आई एम अहमदाबाद। तो आई एम अहमदाबाद में जो फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स है, मेरे उधर ट्रेनिंग सेशन होते हैं, वहाँ जो फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स है उसने वो लोग क्या बोलते हैं आपको बताता हूँ। वो लोग बोलते हैं जो भी आदमी इन्वेस्ट करेगा, ध्यान से समझो, जो भी आदमी इन्वेस्ट करेगा उसने तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप लिख लो भले, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है क्या? जस्ती राव इज सेइंग समथिंग नियर टू व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी सब लोग सोवरेन गारंटी वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट है भैया सोवरेन गारंटी के, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, बहुत सारी चीज है। यू कम अप विद समथिंग विच इज यूनिक एंड स्ट्रेंथ ऑफ एलआईसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट नंबर वन। नंबर टू, रिस्क रिटर्न रेशो, RRR, रिस्क रिटर्न रेशो। और नंबर थ्री, विंडो ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब टर्म, कितना साल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क रिटर्न रेशो और टर्म, दैट इज विंडो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीजें हर एक इंसान ने एक रुपया भी कहीं इन्वेस्ट करे देखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ LIC 100% करेक्ट पूरा करेगा, ये मेरा चैलेंज है, किसी का बाप आके मेरे को बताए, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ LIC कर सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ एग्जैक्टली LIC पूरा करेगा, एग्जैक्टली। आप म्यूचुअल फंड में जाओगे, स्टॉक मार्केट में जाओगे, रियल एस्टेट में जाओगे, गोल्ड में जाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव था मुझे 10 लाख चाहिए, शायद वो आपको 20 लाख देवे, 50 लाख देगा, या 5 लाख देगा, या 2 लाख देगा, या कुछ नहीं देगा, लेकिन LIC 10 का 10 देगा, वही टाइम पे देगा। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसको आप बेचने जाओगे तो कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हर्ट्स मी, इट पेन्स मी, ये हमारा स्ट्रेंथ की हम बात ही नहीं कर रहे। हम लोग जो दूसरे की म्यूचुअल फंड, इक्विटी, ये सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न के लिए बने हैं। म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो रिटर्न के लिए बनाया, दैट इज ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव रिटर्न नहीं है, अभी भी उठ जाओ, जस्ट स्मेल द कॉफी और कस्टमर के पास जाके उसको बोलो भैया ये है, ये मैं कर सकता हूँ, रिटर्न हम चाहिए, जा और कहीं जाओ। ये जब तक आप नहीं करेंगे, आप हमेशा मार खा के आओगे, सेल होगा नहीं। और अपने अंदर की जो अंतरात्मा है वो आपको कॉन्फिडेंस देगी नहीं। मैं मुकेश अंबानी के सामने, मैं निर्मला सीतारामन के सामने जाके बोल सकता हूँ, जो मैं दूंगा कोई नहीं दे सकता। वो बोलेगी बताओ क्या दे सकते हो, मतलब ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव बोलो क्या चाहिए आपको, दे दूंगा, एग्जैक्ट दे दूंगा, वैसे का वैसा वही टाइम पे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। और आपको ये प्रोडक्ट्स वगैरह सब मालूम है तो आप बताओ उनको, लेकिन यू हैव टू टेल द कस्टमर दिस, तभी कस्टमर आपको इज्जत करेगा और बोलेगा तेरे पास ऐसा कुछ है। सी, इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू आर नॉट वांटेड, इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू आर नॉट वांटेड। दुनिया कर रही, मैं भी कर रहा हूं, तो नहीं होगा। यू हैव टू से समथिंग विच इज यूर ओन सिग्नेचर। जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूं, मैं फील्ड ट्रेनिंग करता हूं, कोई नहीं करता। मैं रास्ते में किसी को पकड़ के उसको पॉलिसी बेच डालू, ये मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ये कोई कर ही नहीं सकता। कोई इतना भी बड़ा शाना लेके आओ मेरे सामने, ये कोई कर नहीं सकता। उसके लिए 40 साल में घिसा है, 4 कंट्री में सेल्स किया हूं,
क्लासरूम में बैठ के एसी लगा के बोलने सो नहीं सुना, मैं बाहर जाके काम किया, धंधा बाहर है, इसमें आपको मजा आएगा एक घंटा सुन के, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाहर जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा कस्टमर के, जब घुसे खाएंगे तभी आदमी सीखता है, जब मेहंदी पत्थर पे घिसती है तभी रंग लाती है, लेकिन हम लोग पत्थर पे नहीं घिसेंगे, मेहंदी का पत्ता लेके घूमेंगे तो कुछ नहीं होगा, मार्केट में जाना चाहिए। हम लोग बोलते अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने चार जन को फोन किया, वो ना बोला मैंने तलवार म्यान कर दिया, मैंने छोड़ दिया, बस ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। अभी मैं रॉकी देख रहा हूँ, रॉकी पिक्चर देख रहा हूँ, आप देखो रॉकी सीरीज, ये सिल्वेस्टर स्टालोन की 1, 2, 3, 4, अभी वो सेकंड एपिसोड में, सेकंड जो मूवी था रॉकी, उसमें वो जो सामने वाला होता है वो बोलता है मेरे को रॉकी से ही फाइट करना है, तो उसका कोच बोलता है उसके साथ लफड़े मत जाओ, पागल है, बोला क्यों पागल है, क्योंकि रॉकी वन आप देखो, रॉकी वन फिल्म में क्या होता है, वो बहुत बड़ा फाइटर है, वो सिल्वेस्टर स्टालोन को बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है, लेकिन वो मार खा के वापस उठता है, मार खा के वापस उठता है। तो पार्ट टू में बोलता है ऐसे आदमी से कभी लड़ने का नहीं जो मार खाने के बाद वापस उठ के वापस अटैक करता है। हम लोग क्या करते हैं, मार खा के छोड़ देते, वो छोड़ने का नहीं, मार तो मिलेगा ही, मार्केट में जाएंगे तो मार तो खाएंगे, 10 में से 9 जन तो खड़ा नहीं कर, 20 में से 19 जन ना बोलेंगे तो क्या छोड़ देंगे, हमको वो एक चाहिए जो 50 के बाद बोलेगा यस, उसको पूरा आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, एफडीआरडी का सीओटी टीओटी हो जाएगा, जो दिल्ली में आप बैठे हो तो टीओटी हो सकता है एक चेक। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली आया था, मैं गौतम गंभीर के घर पे गया, मैं एंट्री नहीं मिलेगी उसका, आदमी बाहर आके मेरे को नंबर देके गया उसके सीए का, आपके पास दिल्ली में जो बड़े बड़े लोग आप गए केजरीवाल के पास, अमित शाह के पास, क्यों नहीं जाते हो, आप जो भी सिटी में रहते हो बड़े लोगों के पास क्यों नहीं जाते, काय का डर है यार, एलआईसी भगवान है इंडिया में, ऐसा एक आदमी नहीं, 143 करोड़ में एक आदमी नहीं जो बोलेगा एलआईसी क्या है, ऐसा कोई आदमी है क्या एलआईसी क्या पूछेगा, इतना बड़ा ब्रांड लेके अब लोग नहीं जाएंगे तो कैसा चलेगा, क्या चाहिए आपको फिर, और किस चीज का डरते हो आप अपने आप से पूछो, अरे काय का डर है, वो उधर साल बॉर्डर पे लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, गोली खाएगा आदमी मर जाता है, वो हमारे लिए रात भर उधर लड़ रहा है, अभी मेरे पहचान का कोई बंदा है 45 डिग्रीज में बेचारा उधर था, बता रहा था कि 45 डिग्रीज में हम लोग रहना पड़ता है, हमारे लिए उधर वो लोग बैठे, हम लोग सारा कस्टमर का एक ना नहीं सुन सकते काय को, और मैं बोलता हूँ जितना वो सोल्जर उधर कर रहा है सोल्जर उतना ही आप कर रहे हो, मैं आपको बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो सोल्जर गोली खा रहा है, आप कस्टमर का नो का गोली खा रहे हो, और सोल्जर देश के लिए कर रहा है, आप भी देश के लिए कर रहे हो, आप भी एलआईसी का पैसा देश को चला रहा है, आज भी कंट्री में कुछ भी लफड़ा होता है फाइनेंस मिनिस्टर एलआईसी से भीख मांगता है मेरे को पैसा चाहिए, आईडीबीआई बैंक मर रही भीख मांगता है मेरे को पैसा चाहिए, ये लफड़ा हुआ है भीख मांगता है एलआईसी पैसा मुंह पे मार के ले, और एलआईसी का पैसा कौन लाता है, सिर्फ एडवाइजर ओडीओ, और आप भी डरते हो, आप देश के लिए कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप ये सोचो मेरा फायदा मेरा सीओटी मेरा टीओटी सेल्फिश हो गए तो डर जाओगे, एलआईसी के लिए कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं करेंगे तो आपका डर चला जाए, और आप ये सोचो देश के लिए आप काम कर रहे हो, आपका पैसा देश की उन्नति के लिए हो रहा है, अभी रेलवे को 1.5 लाख करोड़ दिया, कौन देगा पैसा इतना, ये पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, HNI में जाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं कर सकता, तभी HNI आपसे बात करे, नहीं तो खड़ा ही नहीं करेगा, चल निकल जा गेट से हकाल दे, और ये टफ होना चाहिए अपना, मैं देखता हूँ LIC में जनरली हम लोग को लगता है कर्टसी में रहना चाहिए, कर्टसी के मेरा अभी एक बुक है मेरा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे एक बुक है जिसका नाम है कर्टसी की माँ की, बुक का नाम है कर्टसी की माँ की, आप खरीदो अमेजोन फ्लिपकार्ट 200 रुपए का बुक है, आपको समझ में आएगा कि कर्टसी से आदमी कैसा खत्म हो सकता है, कर्टसी दिखाओ जहाँ जरूरी है, फोकड़ में दिखाओगे काट के रख देगा तुम्हें, कुछ लोग को एग्रेशन चाहिए, गधे की तरह जाएंगे पब्लिक हकाल देते, घोड़े की तरह जाएंगे पब्लिक को चाहिए, शेर को लोग डरते कुत्ते को लात मारते, हम लोग शेर बन के जाने का तो इज्जत देंगे आपको, बोलेगा बैठ भाई क्या है, बोल तेरे में दम है, मैं 500 करोड़ का आदमी हूँ तो तेरे में भी दम है, मेरे को तेरे से बात करना है, तू अगर चिल्लर है हाथ जोड़ के आ रहा है, हट नहीं चाहिए मेरे किसी पीए को मिल सीए को मिल, चल मैं नहीं बात करे, अभी जैसे मैं गया आपका बहुत बड़ा बंगलो है दिल्ली में उसका, तुम्हारा गौतम गंभीर का इतना करोड़ों कमा रहा है, मैं जाके बोला गेट पे कि मेरे को गौतम से मिलने का है, तो बोला अभी है नहीं, बोला कोई से उसके मिसेस को बुलाओ या मुझे अंदर बुलाओ, ये एटीट्यूड में बात करना है, कहां से LIC से आया, बोलना LIC से आदमी आया, तब वो अंदर नहीं लिया बाहर आके मेरे को नंबर दिया। हाँ मेरा बुक प्रशांत सावंत आप डालोगे ना अमेजोन फ्लिपकार्ट पे प्रशांत सावंत, आपको मेरे 3 बुक्स है, एक आनंद अक्षी के ऊपर है वो मोटिव उसके सॉन्ग्स के ऊपर में लिखा है, और बिजनेस लेसंस फ्रॉम बॉलीवुड है, और तीसरा ये कर्टसी की माँ की, यानी वो देखो। तो HNI सेगमेंट है उसमें आप जाओगे तो पहली बात तो आपका जो अप्रोच है वो टफ होना चाहिए, अप्रोच इट शुड बी टफ, और वो नहीं हो तो आपको अपॉइंटमेंट देगा ही नहीं, और जब वो आपको अपॉइंटमेंट देगा आप उसके सामने बैठोगे तो आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम जनता के पास टाइम बहुत है और HNI आदमी के पास टाइम कम है, बिकॉज वो टाइम हर एक सेकंड का उसका पैसा है, तो वो अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो वो सुनेगा नहीं। ओके लेट मी गिव यू वन मोर पॉइंट क्योंकि अपना टाइम कम है, तो ये जो आम जनता है उसको आप जो पिच करते हो LIC के लिए जो पिच करते हो वो HNI के लिए पिच चलेगा नहीं। आम जनता का प्रॉब्लम क्या है,
आम जनता पैसे कैसा कमाता है, आम जनता जो है वो पैसा कमाता है अपनी बॉडी यूज करके, उसकी बॉडी ऑफिस जाती है, उसकी बॉडी एफर्ट्स डालती है, उसकी बॉडी काम करती है, तब वो पैसा लेता है, am I right? उसकी बॉडी पैसा कमाती है। इसके लिए आप उसके पास जाके क्या बोलोगे, अगर तुम्हारी बॉडी मर गई, अगर तुम्हारी बॉडी मर गई तो क्या करोगे, बोले हाँ यार बात सही है, तो बॉडी मरेगी तो क्या होगा, इसके लिए इंश्योरेंस ले, लाइफ इंश्योरेंस, बॉडी इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, ठीक है, इट इज नॉट लाइफ, इट इज डेथ इंश्योरेंस, मर गया तो क्या होगा, डेथ इंश्योरेंस। लेकिन वो बोलेगा हाँ मुझे पॉलिसी चाहिए, लेकिन आप HNI आदमी के पास जाओगे जो ऑलरेडी 500 करोड़ कमा के बैठा है, आप उसको बोलोगे तेरी बॉडी मरेगी तो पैसा मिलेगा, बोलेगा छोड़ ना मेरी बॉडी पैसा कमाती नहीं, तो HNI आदमी का पैसा कौन कमाता है, ये आप समझो लास्ट पॉइंट, वो हु अर्न्स मनी फॉर HNI। ये दिमाग से बराबर है ना, दिमाग सही है, राजेश वेरी गुड, सब लोग सही बोला, वेरी गुड, सिस्टम, सिस्टम दिमाग से, वो सिस्टम बनाया हुआ, उसने सिस्टम बनाया हुआ है, प्रोसेस है उसका, एक सिस्टम है जो पैसा दे रहा है, स्टाफ फंड सिस्टम, स्टाफ इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, तो उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो सिस्टम पैसा बना, वो अगर सिंगापुर जाके एंजॉय करेगा, बैंकॉक जाके अगर मसाज भी लेगा, यहां उसका धंधा चल रहा है, वो सिस्टम उसको पैसा कमा रहा है। अभी आप मेरे को बताओ, उसको चाहिए, अगर उसकी सिस्टम मर गई तो पैसा कौन देगा, और LIC इज द ओनली कंपनी, ओनली कंपनी LIC के बाद ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो उसके सिस्टम को इंश्योर कर सकते हैं, तो करोड़पति लोगों को हम लोग सिस्टम इंश्योरेंस दे सकता है, सिस्टम इंश्योरेंस उसको चाहिए, वो अपना किडनी बेच को आपको पैसा देगा, लेकिन हम लोग कुछ उल्टा ही बात कर रहे हैं, अगर उसको सिस्टम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो काम हो जाए। तो अभी अब मैं उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको कुछ डायलॉग्स व्हाट्सएप करूंगा, आप मेरा नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ, वो डायलॉग्स आप HNI को यूज करो, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो सर आपके पास, आप यदि कंफर्टेबल है तो हम 10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं आज का सेशन। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिटेल में होगा नहीं, तो मैं क्या कोशिश करूंगा मैं, लेकिन ये मेरा नंबर इसलिए दिया है कि मैं आपको, आप इसमें लिखो HNI डायलॉग्स करके मैं भेजूंगा, मैं आपको कुछ डायलॉग्स भेजूंगा जो आप HNI को फोन पे बोलो, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, मैं ऐसे आपको 4-5 डायलॉग भेजता हूँ, वो फोन पे आप बोलो तभी वो आपको मिलने के लिए बुलाएगा, फिर आप अपने जो प्रोडक्ट्स है, आपके जो प्रोडक्ट जीवन अक्षय, जीवन शांति, जीवन उमंग और जीवन लक्ष्य, ऐसे प्रोडक्ट है ही नहीं इंडिया में, ऐसे है ही नहीं, एक हर सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है इंडिया में, और जीवन लक्ष्य उसके लिए जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता, तो आप जहां भी हो उसके बड़े बड़े जो स्कूल है आपके एरिया में, जो बड़े बड़े स्कूल है वहां जाओ, वहां एक्टिविटी करो, वहां बोलो पेरेंट्स को बुला के बताओ क्या है जीवन, उनको अभी दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको कुछ और उसको बनना पड़ेगा, जैसे मैं क्या करता हूँ पेरेंटिंग सेमिनार करता हूँ, तो बहुत सारे एडवाइजर मुझे पेरेंटिंग सेमिनार के लेके जाते, तो पेरेंटिंग सेमिनार बोला तो माँ बाप आते, फिर उसको एंड में 5 मिनट हम लोग को ये बोलने का, भाई ऐसा ऐसा हम लोग कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो 100 जन सामने बैठेंगे तो 5, 6 या 10 पॉलिसी मिल सकता है, तो रिच लोग के पास जाओ, क्योंकि जो सिस्टम इंश्योरेंस हम लोग दे रहे हैं, सिस्टम का मतलब क्या है, रिच आदमी का पैसा सिस्टम दे रही है, पैसा सिस्टम दे रही है, अगर वो सिस्टम मर जाएगा तो पैसा मर जाएगा, तो हम लोग LIC क्या करेगी, उसको ऐसा प्रोडक्ट देगी ताकि उसको एक अमाउंट आते ही रहेगा, जैसे जीवन अक्षय, अगर उसने 100 करोड़ डाल दिया तो उसको 5-6 करोड़ साल का आते ही रहेगा, किसी का बाप रोक नहीं सकता उसको, ये बहुत बड़ी बात है, और HNI सेगमेंट को बात समझ में आएगी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनको मिल नहीं पा रहे, अगर हम लोग HNI सेगमेंट के सामने बैठ के उनको, मैंने बहुत सारे लोगों को ये जो प्लान बोला, ये जो सिस्टम बोली, तो एवरीबडी सेज कि हमको मालूम क्यों नहीं है LIC इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती, LIC एडवर्टाइजमेंट करेगी तो हम लोग को जो कमीशन है वो बंद कर देगी, ऑनलाइन डाल देगी, LIC चाहती है कि एडवाइजर का फायदा हो, ये एडवाइजर उसको बताए, और ताकि हम लोग का भी फायदा हो, तो आप लोग जब भी मार्केट में जाओ HNI सेगमेंट को मिलने की कोशिश करो, और पहली बात तो आपका एक समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिचुअल, रिचुअल का मतलब क्या है कि मैं रोज क्या कर रहा हूँ, मैं रोज क्या कर रहा हूँ, तो आप रोज एक चीज ऐसा करो जो HNI के लिए है, मैं भी कोई फोन मारू किसी बड़े आदमी को, उससे बात करने की कोशिश करो, रोज एक करेंगे तो धीरे 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 आपको आ जाएगा। अमिताभ बच्चन का पहला पिक्चर आप देखोगे 7 हिंदुस्तानी, एकदम फालतू एक्टिंग किया हुआ, आप बोले कौन है, लेकिन वही अमिताभ बच्चन आज का एक्टिंग कर रहा है, तो पहले मूवी में अमिताभ का एक्टिंग अच्छा नहीं था, स्लोली स्लोली वो बेटर हो गया, उसी तरह आप बोले कि पहले ही कॉल पे मेरे को सब कुछ होना चाहिए, नहीं होगा, ये प्रोसेस है, बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेता है, तो आप अभी चालू करोगे काम तो शायद 3 महीना 6 महीना भी लग सकता है मास्टरी करने को, 9 महीना भी लग सकता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन HNI आदमी के पास जाके जाओगे तो पहला तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं जो दे रहा हूँ वो जबरदस्त है और तुम्हें और कोई दे नहीं सकता, ये विश्वास से जाओगे तभी वो आपसे बात करेगा, उसको कोई नया चाहिए, अलग चाहिए। और आप लोग रिटर्न का बात करते हो, जैसे अतुल जी आपने वो सही बोला, वो आदमी ने आपको जो बताया कि रिटर्न पैसा कम कमाओगे, वेरी गुड आइडिया, लेकिन आप देखोगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मर्सिडीज के शोरूम में जाओ,
और उसको बोलो मेरे को SUV लेनी है, अभी नई SUV इनकी आ रही है, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था तो 1.8 करोड़ की गाड़ी है, अभी नया ब्रांड नया गाड़ी आ रहा है जो अगस्त में रिलीज होगा, या उनको बोलो मेरे को SUV चाहिए 1 करोड़ का रेंज में चाहिए गाड़ी, वो आपको कोटेशन देंगे और वो आपका वो कोटेशन ले लो, वो कोटेशन में टैक्स कितना है देखो, उसमें टैक्स देखो, करोड़पति आदमी टैक्स देखता नहीं है, वो सब आपको बताने के लिए टैक्स ज्यादा है। आज करोड़पति आदमी 39% टैक्स भर रहा है, 100 रुपया कमाता है 40 रुपया गवर्नमेंट को दे देता है, क्या करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग जो है ना वो टैक्स का हमारे मन में बाकी कुछ नहीं, टैक्स हमारे घर पे थोड़ी आ रहा है, तो हम लोग उसको बोला है तो हमें क्या करूं भैया, आप मर्सिडीज लेते हो इतना, लेकिन हमको मालूम नहीं है HNI सेगमेंट कहां बैठता है। अभी आप फाइसर्ड में जाओ, परसों में किसी को लेके गया था तो 450 रुपए का चाय 695 का बिल आ गया, मतलब 450 रुपए का बेसिक चाय 700 रुपए आ गया टैक्स के बाद, 18% इसका, 4% इसका, 7% इसका दे रहे, झक मार के दे रहे, वो 700 रुपए का पब्लिक स्वाइप कर दे, 1000 का ले बेटा 300 रुपए रख, तो 7000 का 2000 एक्स्ट्रा दे देते उसको, तो अगर वो जो चाय पी रहा है आदमी वो उसमें अगर इतना टैक्स भर रहा है उसको पड़ी नहीं है तो हमको क्यों पड़ी है, हम लोग के मन में है करके हमको दिखता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ब्रेन का एक पोर्शन है, हमारे मन में जो होता है सामने आता है और हमारे मन में नहीं दिखता, अभी हमारा नाक बीच में लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि हमारे मन में नहीं, लेकिन हमारे मन में है टैक्स 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 तो हमको दिखता है, या GST लगता है, ये लगता है, ये छोड़ दो यार, इसका कोई मतलब नहीं है, करोड़पति आदमी के सामने बैठो और दूसरा CA आपके बीच में आएगा, CA इज नॉट सपोज टू टॉक ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिकॉज CA पास्ट की बात करता है, इंश्योरेंस आदमी फ्यूचर की बात करता है, और CA जो है आप हम लोग उससे डरना नहीं चाहिए, उसको आप बोलो तुमको क्या मालूम है जीवन अक्षय के बारे में, जीवन उमंग के बारे में, कुछ नहीं। मैं अभी गया था अर्जुन कपूर के PA को मिलने, उसके PA ने मुझे CA के सामने बिठा दिया और वो मुझे बोला है तुम्हारा क्या हिसाब है, मैं उसको काट मतलब बहुत चीज समझाया, वो बोला यू आर राइट, उसने बोला कि अभी वो परिणीति चोपड़ा वाणी कपूर उसने फोन करके बोला इनसे मिलो, ये लोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मिलो, क्योंकि उसको समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, उसको लग रहा बोला सॉरी मुझे मालूम नहीं था कि LIC के पास ये सारी चीजें, बोला LIC करता है कोई नहीं करता, खाली आप लोग जाते हो किसी बैंक में, बड़ी बड़ी बैंक में आपका अकाउंट है, वो लोग आपके सर पे बैठते हैं, आपको लगता है वही सही है, वो गलत नहीं है, वो अच्छा होंगे मुझे नहीं मालूम, हम लोग ये कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता, खाली हमारी दुकान नहीं है HDFC बैंक या ICICI बैंक की तरह, इसके लिए आपको मालूम नहीं है, बस हमारी यही दुकान है और ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। तो पहले बात तो आपको ये कन्विक्शन रखो जो मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा करने का काम LIC करती है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, तो वो आप कस्टमर के पास जाओ और बोलो कि ये मैं कर सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस, हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम लोग उसका भला कर रहे हैं और उसके लिए LIC आपको कॉम्पेंसेट कर रहा है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम लोग का जो टिकट साइज अभी पेंस नहीं, प्राइवेट जैसे हम लोग का 17,000-18,000 टिकट साइज है, कुछ प्राइवेट कंपनीज का मैंने देखा 1,25,000 तक है, क्योंकि नथिंग अगेंस्ट प्राइवेट कंपनीज, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उसी के पास जा रहे हैं जहां हम लोग नहीं जा रहे, ये बात याद रखना। जब महाभारत शुरू हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैं तेरा रथ चलाऊंगा, क्यों? क्योंकि अर्जुन को मालूम था, श्री कृष्ण को मालूम था अर्जुन अपने आप को शाणा समझेगा और कर्ण को मारने जाएगा, कर्ण इसको काट के रख देगा, कर्ण जो है पांचों पांडवों को साथ में मारेगा, इतना ताकत था, पांचों पांडवों को एक साथ बुलाएगा और काट के रख देगा। इसके लिए श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कभी भी कर्ण के सामने लेके नहीं जाने का, दुनिया भर घुमाया उसको और लास्ट में कर्ण के सामने लाया, उस वक्त भी कर्ण को पीछे से मारना पड़ा, और LIC एजेंट कर्ण है लेकिन जाता नहीं है, LIC एजेंट जाता नहीं, कर्ण है लेकिन, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेके नहीं गया इधर उधर, वैसे हम लोग बड़े लोग के पास जा नहीं रहे। अभी क्या हुआ, श्री कृष्ण को मालूम था कि अर्जुन को कर्ण के सामने लेके जाऊंगा तो मर जाएगा, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को और जगह लेके गया जहां कर्ण नहीं है, जहां कर्ण नहीं है। वैसे प्राइवेट सेक्टर क्या कर रही है, ऐसी जगह जा रही है जहां अपना जो LIC एजेंट जो कर्ण है सबसे बड़ा पावरफुल है, सूर्य का कवच LIC का कवच है, उसका कवच कुंडल है LIC का, वो जहां नहीं है वहां जाते हैं। वो किधर नहीं है, तो रिच लोग के पास वो नहीं है, बड़ी बड़ी सोसाइटी बड़ी बड़ी बंगलोज में वो नहीं है, वहां वो लोग जाके माल बेचते हैं, इसके लिए उनका प्रीमियम ज्यादा है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप कर्ण हो, आपके पास कवच कुंडल है, LIC का ब्रांड का कवच कुंडल है, लेकिन आप अगर गए नहीं तो उनको अनफॉर्चुनेटली जो दिखेगा वो बिकेगा, जो सामने दिखेगा वो बिकेगा। तो प्लीज जाओ, और ये आसान नहीं है भैया, ये आसान नहीं, आई एम नॉट सेइंग, देखो मोटिवेशन सेमिनार में क्या होता है, क्या लगता है आसान, मैं इस हक में नहीं हूं, मैं आपको ये बोलता हूं, ये आग का दरिया डूब के जाने, कि आप ये गुलाब अगर चाहिए तो कांटे झेलने की ताकत चाहिए, कांटे को पकड़ेगा ना आदमी उसको गुलाब मिलेगा, गुलाब मिलेगा, गुलाब का रंग लाल है, गुलाब आपको बोल रहा है कि कांटा तेरा खून निकालेगा,
तैयार है तो मेरे को पकड़। और आप कभी गुलाब को निकालने का कोशिश किया है? यू कैन नॉट। गुलाब को कैंची से काटना पड़ता है। गुलाब को निकालने जो हाथ को काट कर खून खून हो जाएगा आपका हाथ। तो इसके लिए आप लोग को अगर गुलाब चाहिए तो उतना ताकत चाहिए कि मैं उसके बाद जाऊं काटा सहने की ताकत चाहिए। वो जो ना बोलेगा तकलीफ देगा, उसको रास्ते से कभी हकाल देगा, गेट से लेगा नहीं अंदर, बहुत तकलीफ होगी। वो तकलीफ सहोगे तभी आपको गुलाब का मिलेगा। आसान नहीं है। आप बोलोगे मेरा सुन गया हो गया, नहीं, मेरा सुन के आपको समझ में आ गया होगा एक दो पॉइंट, लेकिन आप जाओगे बार बार जाओगे तभी काम होगा। और देखो प्राइवेट कंपनियां किसी को बुरा बोलने का कोई जरूरत नहीं, अपने वो लोग अपना अपना काम कर रहे। हम लोग किसी को बुरा बोल के, जैसे दीवार पिक्चर में शशि कपूर बोलता है कि दूसरों के पाप दिखाने से अपने का पाप कम नहीं होते, मतलब अमिताभ तुम चोरी करो तो चोरी कर रहे हो, दूसरे का चोरी क्यों बता रहे हो। उसी तरह हम लोग को दूसरे के बारे में मत बोलो, प्राइवेट अपना काम करने दो। आपका आपका कोई तोड़ ही नहीं। कर्ण को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कर्ण गया बात खत्म। कर्ण ये नहीं बोलता युधिष्ठिर मेरे से कम है, अर्जुन मेरे से कम है, उसे मालूम है यार जाऊंगा बात खत्म। तो आपको जाना चाहिए, बड़े बड़े लोगों के पास जाना चाहिए। और मैंने आपको नंबर दिया है मेरा, आपको अगर ऐसा है कि कोई बड़ा केजरीवाल आ गया, केजरीवाल से आपका मीटिंग है या फोन पे बात करना है तो मेरे को बताओ, आई कैन हेल्प यू इन व्हाटएवर आई वे आई कैन। मतलब कॉन्फ्रेंस में कोई भी हो इंडिया का आदमी, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में उसे बात कर सकता हूँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को जो मालूम है उसके लिए हम लोग कर सकते, कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप कोशिश करो, आप लड़ोगे तो मैं आपको, मेरे को हेल्प करने को मजा आएगा। अगर आप जैसे ना एक लड़ाई हो गई और लड़ाई में एक टीम हार गई तो सब लोग वापस आ रहे हैं, वो हार के वापस आ रहे हैं, लेकिन जिसकी तलवार टूटी है उसको इज्जत है। हारे तो सब लोग है लेकिन तलवार किसकी टूटी है? जिसकी तलवार चकाचक दिख रही वो लड़ाई नहीं। अगर आप करोड़पति लोगों के पास गए नहीं, आप दिल्ली में हो, अमित शाह के पास जाओ, जाओ तो सही, वो मिलेगा नहीं मिलेगा को, हम लोग भगवान है कि हमको मालूम है, शायद अमित शाह अंदर बुलाएगा, बोले भाई बेटा आ जाओ, मैं देख ही रहा था मेरे को चाहिए था, बैठ ये लेके जाओ, नहीं बोल सकता। ये क्या गारंटी कि अमित शाह आपको पॉलिसी नहीं देगा? लेकिन हम लोग जाते ही नहीं। या आपके जो हीरो हीरो मोटोकॉर्प के जो है पवन मुंजाल है, उनका लफड़ा चल रहा है, बहुत सारा बीच में प्रॉब्लम हो गया। और ओके वन मोर थिंग, HNI लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है जो सब लोग दे सकते हैं, MWPA आपको सबको मालूम है, लेकिन उसका मेरा एक वीडियो भी है, प्रशांत सावन MWPA डालोगे तो आपको वीडियो दिखेगा, एक घंटे का वीडियो यूट्यूब पे। तो MWPA सबको चाहिए, सबको चाहिए। वो आज करोड़पति लोगों का आप जाके बताओ, LIC जैसा ब्रांड है, गवर्नमेंट गारंटी है, और MWPA वो लेगा 100%, बोलेगा बैठ भैया मुझे मालूम नहीं था। और हर बड़ा बिजनेसमैन के पीछे ईडी लगा हुआ है आज की तारीख में, आप जाके मिलोगे, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। देखो क्या चल रहा है मार्केट में, उसको देखो, उसको टैप करो। ओके, तो ऑल सेड एंड डन आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, कस्टमर के पास जाओगे विद कन्विक्शन जाओ। आपको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं जो दे रहा हूं आपके फायदे का है। आप अपने आपको इज्जत नहीं देंगे, सामने वाला आपको इज्जत नहीं देगा। अपने आपको इज्जत दोगे तभी सामने वाला आपको इज्जत देगा। खुद को गिरा के कुछ नहीं होगा। खुद को मत गिराओ कि मैं, वो बोला हाँ सर, बोलो कभी भी आता हूँ, शांति रखो, बोला ठीक है 11 बजे मैं बिजी हूँ लेकिन मैं आपके लिए आ जाऊँ। अपनी इज्जत रखो, सामने वाला आपको इज्जत करने तो 11 बजे बुला के, अभी देखो आई एम सॉरी लेकिन अभी ये सेशन 8 बजे का था, 8 बजे 15 लोग थे, अभी सब लोग आ गए। टाइम को मेंटेन नहीं करेंगे तो HNI आदमी खड़ा नहीं करेगा। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, टाइम का मर्डर होते हुए देखा मैंने यहाँ सब जगह, आपके इधर सब जगह, ठीक है 8 मतलब 9, 8 मतलब 8:30, प्लीज ऐसा HNI आदमी एक सेकंड में हकाल दो, क्योंकि वो जानता है। आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बोला है, रिच और पुअर आदमी में फर्क यह है वो टाइम को कैसे इस्तेमाल करता है। पुअर आदमी टाइम को लाइटली लेता है, रिच आदमी टाइम को सीरियसली लेता है। जो आदमी टाइम को सीरियसली लेता है वो रिच होगा ही होगा, जो टाइम को लाइटली लेता है वो टाइम उसको मार देगा। समय सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा भगवान है माँ, और उससे एक कदम आगे है समय। क्योंकि माँ आप कितना भी बुरा करो आपको प्यार ही करेगी, लेकिन समय अगर आपको मदद, समय पे ओवर रहोगे तो समय आपको ऊपर लेके जाएगा, और समय से पंगा करोगे नंगा कर दो। सुई घड़ी की काटे है, काटे लगेंगे। तो प्लीज, कस्टमर ने आपको 11 बजे बोला, यू शुड बी देयर बाय 10:45, 8 बजे का मीटिंग है, यू शुड बी देयर एट 7:45। ये प्लीज करो, टाइम के साथ पंगा मत करो, पहला तो वो कर लो। क्योंकि अगर HNI ने आपको बुलाया या आपने बोला कर मैं आपको 11 बजे फोन करता हूँ, 11:01 हो गया खलास, वो आदमी बोलेगा इससे डील नहीं कर सकता मैं। फिर हम लोग बोलते हैं यार रिटर्न कम नहीं है, हम लोग टाइम पे नहीं गए। तो ये बात हमेशा याद रखना, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। LIC का नाम लेके जा रहे हो, अमिताभ बच्चन का सरनेम अमिताभ श्रीवास्तव, जब अमिताभ बच्चन बाप को बोला, अमिताभ बोला पापा मेरे को हीरो बनने का है, बोला तू हीरो बनेगा उधर लफड़े वड़े हो सकते हैं, हीरो हीरोइन के बहुत मैंने सुना है, ये इंडस्ट्री मैंने सुना अच्छा नहीं है, तू अमिताभ श्रीवास्तव नाम लगा के जा। बोला नहीं पापा मैं अमिताभ बच्चन, आपका नाम। बोला बच्चन मेरे को गवर्नमेंट ने पदवी दी है, बच्चन मेरा सरनेम नहीं, लोगों उन्होंने मुझे पदवी दी है, जैसे डॉक्टर होता है वैसा बच्चन।
बोला बच्चन नाम को आज नहीं आनी चाहिए, अगर तुम ये रखता है तो मेरा नाम लगा। बोला नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा कि बच्चन नाम को आ जाए, आप LIC के नाम को आज आनी नहीं चाहिए कि 8 बजे बोलते मैं 8:15 बजे गया। जैसे अमिताभ बच्चन, वो बच्चन की इज्जत रखी, लोग बोलते हैं रेखा भी का कुछ नहीं, अमिताभ ईमानदारी से जिया है, एक उसके ऊपर एक छिलका नहीं है, कोई गलत बोल नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि उसको मालूम है अपना बाप का नाम लेके घूम रहा हूं। वैसा आप लेके जाओगे तो आई एम श्योर हो जाएगा, मेरा नंबर आपके पास है, कहीं अटक जाओ तो मेरे को कॉन्टेक्ट करो, अगर मैं उठा नहीं पाया तो आई विल कॉल बैक। और लेकिन बड़े लोग के पास जाओ भैया, बड़े लोग के पास जाओ, एक चेक में MDRT COT TOT हो सकता है, आराम से हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर, आज का जो सेशन था, आपको जब भी मैं मिलता हूँ या जब अभी हम हैदराबाद भी मिले थे, आपकी जो एनर्जी को देख करके सैल्यूट करता हूँ कि आप कितनी एनर्जी है आपके अंदर, और जो कॉन्फिडेंस है वो अलग से दिखता है कि जो कॉन्फिडेंस है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपके बारे में किसी हमारे मित्र ने बताया था कि आपने उनके लिए कोशिश करी थी कि मुकेश अंबानी से मिलवाने के लिए उनको, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने अंदर, यदि आज हम किसी को मिलने की कोशिश करते हैं और नहीं मिल पाते तो आज भी यदि हम कोशिश तो करें, नहीं तो ना तो आज भी है, ना तो आज भी है, यदि हम करेंगे तो हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम वो हाँ यस में हो जाए। राजेश एक मिनट के लिए सबको अनम्यूट करिए और उनसे पूछिए कि सर का सेशन कैसा लगा। सब जबरदस्त सेशन रहा सर का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पावरफुल सेशन, मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रशांत सर का वोट ऑफ थैंक्स करें। प्रशांत सर, एक घंटा बहुत कम रहा आपके लिए, क्योंकि आज शेयरिंग कुछ लंबी हो गई है, इस वजह से भी आपका समय और कम हो गया। मैं तो एक रिक्वेस्ट करने के लिए आपसे माइक के ऊपर हूँ, मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली आप पधारें और एक फुल डे का सेशन आप लीड करें। इतने लोग चाहते हैं कि प्रशांत सर का FPRT के प्लेटफॉर्म पे फुल डे का सेशन हम लोग करें, बिल्कुल आना चाहेंगे। यस सर, यस सर, अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो आप सूचित करें मुझे चैट बॉक्स में कि हम आना चाहते हैं। बहुत अच्छा, सब लोग चाहते हैं कि बड़े टिकट साइज HNI क्लाइंट को बड़े बड़े प्लान दिए जाए, सब चाहते हैं एक प्लान में TOT COT हो जाए, तो सर आप कृपा पूर्वक अपनी स्वीकृति दें और दिल्ली में आपका सेशन करते हैं हम लोग। और सच में आप जादूगर हैं सर, आपकी जो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका कोई मुकाबला नहीं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और आपने FPRT को सुबह सुबह अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं FPRT पूरे परिवार की ओर से हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि समय समय पर आप FPRT को जो आपने स्नेह आज दिया है, ये स्नेह ये प्यार आप हमको देते रहे, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, प्रशांत सर, थैंक यू। और मैं अब राजेश राठौर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति पाठ लेकर